ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको उत्साह के साथ बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, इन दोनों महीनों में आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा और कम प्रयासों में भी आपको सफलता मिलने वाली है। तो इस राशिफल को हम आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान समय में आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है और पूर्व समय में भी आपके जीवन में कैसी स्थिति बनी रही। देखिए, मिथुन राशि वाय तत्व से प्रभावित, बुध से प्रभावित भचक्र मंडल की तीसरी राशि मानी जाती है। वायु का प्रभाव होने की वजह से, वायु तत्व प्रभावी होने की वजह से मन में चंचलता और बुद्धिमत्ता की प्रधानता होती है। काफी बुद्धिमान जातक होते हैं, योजना बनाने में काफी दक्ष होते हैं, लीडरशिप क्षमता मिथुन राशि के अंदर मौजूद होती है और इस राशि में चूंकि इस पंचम भाव और आपका जो राशि के नवम भाव है उस पर शनि और शुक्र का प्रभाव है, तो व्यक्तिगत जीवन में दूरदर्शी क्षमता आपके अंदर आ जाती है, यानी दूर की स्थिति को या दूर के व्यक्ति के मन को भी आप आसानी से पढ़ लेते हैं और बात समझ जाते हैं। स्वभाव से काफी बातूनी होते हैं, व्यक्तिगत जीवन में किसी भी कार्य व्यवसाय को यदि हाथ में लेते हैं तो पूर्ण रूपेण मनोबल के साथ प्रदर्शन करते हैं और सफलता अर्जित करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर चतुराई होती है, स्वभाव में जिज्ञासा होती है, खोजी स्वभाव होता है, इसकी वजह से जीवन में किसी भी क्षेत्र विशेष में संलग्न होकर अपने क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर पहुंचने में सफल होते हैं। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में संघर्ष और प्रतिकूलता चल रही है। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक क्लेश बना हुआ है। राहु और गुरु आपके 11th हाउस पर चांडाल योग का निर्माण किए हुए हैं, इसकी वजह से आपको करियर के मामले में समस्याएं हो रही है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी गुरु बने आपके लिए बनते हैं और गुरु बृहस्पति राहु के साथ हैं, तो राहु का बुरा प्रभाव यानी गुरु जनित शुभता को राहु का जो प्रभाव है समाप्त कर रहा है। तो करियर के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को चूंकि कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति हैं तो करियर में आपको मनोबल और उत्साह की कमी बनी हुई है, या कर्म क्षेत्र में आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है और परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिल रहा है। और बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में लगातार समस्याएं बनी हुई है, लाभ कम हो रहा है, धन के मामले में समस्या बनी हुई है। वहीं पंचम भाव पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो संतान को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर, शिक्षा को लेकर समस्याएं आपको मिल रही है। तो इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के स्वभाव में मौजूद
कुछ कमियों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। जिसका आप ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है और सफलता भी आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपकी राशि के ऊपर ग्रह गोचर स्थिति कैसी बनी हुई रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों, सितंबर की शुरुआत में सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके पराक्रम भाव पर 16 सितंबर तक बनेगा। उसके पश्चात ये दोनों ग्रह आपके राशि के स्वामी भी हैं, ये चतुर्थ भाव पर चले जाएंगे। शुक्रदेव आपके राशि के द्वितीय भाव पर विराजित होकर गोचर कर रहे हैं। वहीं मंगलदेव आपके राशि के लिए प्रबल मारक बनते हैं जो आपके चतुर्थ भाव पर मौजूद हैं, 3 अक्टूबर तक मौजूद रहेंगे और 3 अक्टूबर को मंगल आपके पंचम में चले जाएंगे। गुरु राहु आपके राशि के सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों में 11th हाउस पर गोचर कर रहे हैं, जिसमें 30 अक्टूबर को बृहस्पति का संबंध राहु के साथ छूटेगा, यानी राहु का परिवर्तन होने वाला है। केतु पंचम भाव में और शनि आपके राशि के नवम भाव पर भाग्य भाव पर वक्री अवस्था में मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ग्रही स्थितियां मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है। मेजर ग्रहों में जो राहु देव हैं, परिवर्तन के 2 महीने पहले ही अपना रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि राहु का रिजल्ट आपको मिलना सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। तो भाई हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किन किन क्षेत्रों में समय बेहतर है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में स्थिति कैसी है। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के दशम भाव से कर्म को बारे में विचार करते हैं। आपके दशम भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं जो 11th हाउस पर काफी बेहतर स्थितियों में है, डिग्री वाइज काफी बली हैं और आपके राशि के स्वामी बेहतर स्थितियों में रहने वाले हैं। तो करियर के मामले में चौमुखी विकास मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। नौकरी पेशा जातक जीवन में उन्नति और सफलता अर्जित करने में सफल रहेंगे, वहीं व्यावसायिक जातक भी जीवन में सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। सितंबर के शुरुआती 15 दिनों में नौकरी में प्रमोशन, सरकारी क्षेत्र में उन्नति, राजनीतिक जीवन में सफलता मिलने का प्रबल योग दिखाई दे रहा है। अक्टूबर के महीने में शारीरिक दक्षता से जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, उसके साथ साथ खेल, सेना के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, होटल रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। उसके साथ साथ अगर आपके लिए इस समयावधि में धन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों, आर्थिक भाव जो आपके राशि का दूसरा भाव है काफी बली है, काफी प्रभावी है और द्वितीय भाव पर शुक्रदेव मौजूद हैं, गोचर कर रहे हैं और शुक्र, जैसा कि आपको पता है, आपके त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, आपके लिए काफी बेहतर हैं। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पुराने समय से चला आ रहा धन का संकट यानी आर्थिक समस्याएं इस समयावधि में समाप्त हो जाएंगे, सितंबर में ही समाप्त हो जाएंगी। मिथुन राशि वाले जातकों को सितंबर के शुरुआती 15 दिनों में धन में अकस्मात वृद्धि और कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है और आपकी राशि के जो चतुर्थ भाव है वो काफी ज्यादा नकारात्मक बना हुआ है। चतुर्थ भाव पर मंगल है तो प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होगा, घर में जमीन जायदाद से संबंधित झगड़ा हो सकता है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीज़ों को यदि आप ले रहे हैं, भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना यदि आप बना रहे हैं, तो सितंबर के महीने में आपको नहीं लेना चाहिए, अक्टूबर का महीना ज़्यादा बेहतर है। आर्थिक मामलों में कर्ज लेने और कर्ज देने से आप जरूर बचें तो समय बेहतर रहेगा। वहीं अगर इन दोनों महीनों में आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए
तो मिथुन राशि वाले जातकों राशि का जो द्वितीय भाव है और चतुर्थ भाव है वो पारिवारिक स्थितियों को दर्शाता है। बहुत दिनों से राहु का बुरा प्रभाव आपके पराक्रम पर पड़ रहा था, इसकी वजह से आपके साहस में और पारिवारिक जीवन में कलह लगातार बन रही थी। देखिए, सितंबर का महीना पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला ही है, लेकिन अक्टूबर का महीना पारिवारिक संबंधों को लेकर बेहतर स्थिति निर्मित कर रहा है। अक्टूबर के महीने में पारिवारिक सुखों में अचानक आपको वृद्धि मिलने वाली है और भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, माता पिता का भी आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से प्रेम की स्थितियों के बारे में विचार करते हैं। पंचम भाव आपका कमजोर है, ज्यादा बेहतर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन महीनों की समयावधि में प्रेम संबंधों में आपको तालमेल बैठाने में ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए प्रेम संबंधों के मामले में सतर्क होकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद आपके जीवन में होता रहेगा और इसकी वजह से आप परेशान भी हो सकते हैं, इसलिए इस समयावधि में प्रेम जीवन में यदि आप चल रहे हैं तो चूंकि पंचम भाव पर विच्छेदात्मक ग्रह केतु देव गोचर कर रहे हैं तो प्रेम संबंधों में समन्वय बैठाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि के जातकों राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक दशा के बारे में विचार करते हैं और आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति पहले की अपेक्षा काफी बेहतर हैं, हालांकि राहु के साथ मौजूद हैं, लेकिन डिग्री वाइज राहु के साथ नक्षत्र परिवर्तन भी कर चुके हैं और डिग्री वाइज काफी बली हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में चली आ रही पुराने समय से समस्याएं मिटने वाली है। इस समयावधि में मिथुन राशि के जातकों के जीवन में उत्साह बढ़ेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, जीवन साथी का भरपूर साथ और समर्थन प्राप्त होने वाला है, भरपूर सहयोग आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सेहत को लेकर जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि के जातकों राशि के छठवें भाव से रोग ऋण शत्रु पक्ष के बारे में विचार करते हैं। यहां पर सेहत के मामले में आपके लिए जो समय बना हुआ है दोनों महीने का, वो चूंकि सितंबर का महीना आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, ये मंगल आपके चतुर्थ भाव पर आ चुके हैं, गोचर कर रहे हैं, और अक्टूबर का महीना आपके लिए सेहत के मामले में बेहतर है, तो सितंबर के महीने में सेहत को लेकर असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को चूंकि पंचम भाव पर गर्म ग्रह केतु मौजूद हैं तो अल्सर, पेट में दर्द, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द ये परेशान करेगा, तो इससे बचने के लिए मिथुन राशि वाले जातकों को संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर परिणाम को अर्जित करने के लिए, सेहत को बेहतर रखने के लिए शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से भी बचना चाहिए और वसायुक्त भोज्य पदार्थों से भी बचना चाहिए। सितंबर के महीने में वाहन को तीव्र रफ्तार में चलाने से बचें। यदि आप टू व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, फोर व्हीलर यदि आप व्हीकल चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अक्टूबर के महीने में सेहत आपकी काफी अनुकूल रहने वाली है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ नकारात्मक आदत के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपके ऊपर वायु तत्व की प्रधानता है तो विचारों में बार बार चंचलता होती है, बार बार आपके विचार बदलते रहते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि आप कार्य कर रहे हैं उसमें धैर्य बनाकर जरूर चलें, कई कार्यों को एक साथ जीवन में करने से बचें तो समय बेहतर रहने वाला है।
दूसरा, व्यर्थ का खर्च मिथुन राशि के जातक बहुत करते हैं और खर्चीली प्रवृत्ति होने की वजह से सेविंग कम कर पाते हैं। फिर जब आपको अचानक बड़े धनराशि की आवश्यकता होती है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों को खर्चों पर विशेष नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। तीसरी नकारात्मक आदत मिथुन राशि के अंदर ये है, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना। जी हाँ, मिथुन राशि वाले जातकों के स्वभाव में ये आदत पाई गई है। देखिए, आत्मविश्वास होना सबके अंदर बहुत आवश्यक है। यह हर मिथुन राशि की बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर ये स्थिति होती है। जब मंगल का कॉम्बिनेशन बुध के साथ बैठता है, आपके राशि के स्वामी के साथ बैठता है, तो जीवन में अनुभवी व्यक्तियों की राय मिथुन राशि वाले जातक बहुत कम लेते हैं। तो यदि आप जीवन में बेहतर परिणाम अर्जित करना चाहते हैं तो आपको अनुभवी व्यक्तियों की राय लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी की राय को लें। आप अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर सामने वाले व्यक्ति के अनुभवों को परख कर राय लें। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे ज़्यादा सफल है तभी आप सामने वाले व्यक्ति की राय को लें। और चौथा, मिथुन राशि वाले जातक समय का काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग करते हुए देखे जाते हैं। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक घूमने फिरने की आदत की वजह से समय का दुरुपयोग करते हैं। तो समय प्रबंधन का जीवन में ध्यान रखकर आपको जरूर चलना चाहिए। समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, राहु और गुरु आपके 11th हाउस पर मौजूद हैं और मंगल की स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो सबसे पहले सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का यदि आप रोजाना पाठ करते हैं तो आपको तनाव और सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों से निजात मिलेगी। मंगल जनित बुरे प्रभाव से आपको निजात मिलेगी। मंगल आपके लिए प्रबल मारक बनता है। सबसे ज़्यादा मिथुन लगन के लिए, मिथुन राशि के लिए मंगल ग्रह नकारात्मक होता है और चतुर्थ भाव पर मंगल को कदापि बेहतर नहीं माना जाता। वो भी शत्रु राशि का मंगल है। तो यहाँ पर यदि आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड अपने घर में आयोजित करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो समय बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को मीठा जल सूर्य को अर्पित करना ज़्यादा बेहतर है। यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं या करियर में यदि आपको लगातार सम्मान की कमी बनी हुई है या ग्रोथ नहीं मिल रही है तो इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को, चूंकि पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्योदय के समय यदि आप सूर्य को मीठा जल यानी पानी में शहद, गुड़ या शक्कर या रोली डालकर मीठा बना लें, उसके पश्चात यदि आप सूर्य को अर्पित करते हैं, ओम सूर्या नमः नामक मंत्र का जप करते हैं, तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर बनेगी, बहुत ही अनुकूल बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई हो तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।